पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें ही ये तय करती हैं कि लखनऊ में सरकार किसकी बनेगी। बीजेपी का दावा है कि उसने इतना काम कर दिया है कि उसके सामने कोई नहीं टिकेगा और फिर से बीजेपी सत्ता पर काबिज होगी। जयंत और अखिलेश की जोड़ी भी मैदान में है और सीधे कह रही है कि बीजेपी के विजय रथ को रोक कर दिखाएंगे। बहन जी का हाथी भी अपनी चाल से चल निकला है। कांग्रेस भी नई उम्मीदों के द्वार देख रही है। नमस्कार, मैं हूं सनुज शर्मा। इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम जय हो में आज हम चलेंगे मेरठ से मोदीनगर तक और करेंगे ट्रेन का सफर और ये जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी माहौल क्या है, चुनाव का रंग क्या है, लोग क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर। लोगों से बात करेंगे, उनके मन की बात जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचकर वोट देना चाहते हैं। आपका नाम जानना चाहूंगा भाई साहब। पीके शर्मा। शर्मा जी, क्या सोचा इस बार? चुनाव तो नजदीक है। नजदीक है, सोच ठीक है सर। अच्छा, क्या सोचा है वैसे? वोट वही जाएगी जी हमारी तो। कहाँ? जहाँ जो मतलब जब मतलब विकास हो रहा है। अच्छा, बीजेपी को जाएगी। बीजेपी को जाएगी क्यों सर? देश का विकास हो रहा है, काम हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं बहुत। अच्छा, देश का विकास हो रहा है, काम हो रहा है। भाऊजी, आपने क्या सोचा है? भाई जो जिसको वोट जागे वो जाएगी। अच्छा, मन में रखेंगे। हाँ, लेकिन क्या सोच के वोट देने जा रहे हैं? भाई ये जो है मतलब काम सही कर रही है उसे ही वोट जानी चाहिए। अच्छा, जो काम सही कर रहा है। हाँ, आपने क्या सोचा है? हमने भी ये सोचा है, जो काम सही कर रहे हैं उन्हीं के लिए वोट जाएगी। अच्छा, कौन लग रहा है काम सही कर रहे हैं? मोदी जी लग रहे हैं। अच्छा, मोदी जी लग रहे हैं। अच्छा, जयंत और अखिलेश भी तो हैं, कह रहे हैं कि भाई जो वादे किए थे बीजेपी ने वो पूरे नहीं किए। सारे काम पूरे हो रहे हैं, बढ़िया सड़क बन रही है, सारे काम कार्य पर चल रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। अच्छा, सब काम सही हो रहे हैं जी, बढ़िया काम, सब काम सही हो रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। भैया, क्या सोचा है? युवा हो? बीजेपी। बीजेपी किस वजह? वजह एक डर है बीजेपी का, जो बदमाश लोग हैं ये लोग हैं, ऑटोमेटिकली अंदर घुसे हुए हैं वो लोग। अच्छा, हाँ, एक बीजेपी का डर भी है और विकास भी कर रहा है। जहाँ जो रोड काम चल रहा था वो कंटिन्यू रहा, अगर सरकार चेंज हो जाती है वो यहाँ कहीं रुक जाती है। अच्छा, काम रुक जाते, काम रुक जाते सो गए। लेकिन तीन कृषि कानून को लेकर भी तो सरकार ने कितना कुछ किया, वापस लिया, उसका असर नहीं पड़ेगा सर? उसका क्या असर पड़ेगा? वो किसान तो वो अपनी मांग रखेंगे ना। हाँ, किसान की देख अपनी इच्छा है। अब किसान के ऊपर देख लो, हालांकि वो पेमेंट नहीं कर पा रहा गन्ने का, ये भी एक कोई रीजन होगा उनका, बट बीजेपी सपोर्टेड अपने। अच्छा, गन्ने का पेमेंट नहीं हो तो भी वोट देंगे? हाँ हाँ, कोई इशू नहीं। अच्छा भाई साहब, आप क्या सोच रहे हैं? थोड़ा सा आपसे भी बात कर लूं। बीजेपी को देंगे जी, हिंदुत्व के नाम पे। हिंदुत्व के नाम? अच्छा, बस कोई और नहीं? कांग्रेस भी है, बसपा भी है, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक, कोई नहीं, सब बेकार। अच्छा, सब बेकार। अच्छा, वजह क्या है मतलब ऐसा? बीजेपी, बस बीजेपी को देंगे जी हिंदुत्व के नाम पे हम तो, बस और कुछ नहीं। अच्छा, लगता आपको विकास करा है? जी, विकास भी हुआ। देखिए, ज्यादातर जो यहाँ लोग हैं वो बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम तारिक है जी। अच्छा, तारिक कहाँ से हो? तारिक, मैं मेरठ सिटी से हूँ। अच्छा, मेरठ सिटी से। क्या सोचा है? चुनाव का रंग क्या लग रहा है? रंग तो बाद में पता लगता है, अभी कुछ पता नहीं लगेगा। अच्छा, जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन पता रहेगा रंग का तो। अच्छा, वैसे क्या सोचा है कि ये इस तरीके से वोट देंगे कि भाई ये चीज़ खासियत होनी चाहिए अपने? परफॉर्मेंस बेस्ड वोट देता हूँ मैं, नहीं देता किसी वैसी वोट। अच्छा, मैं किसी यानी उध्रुवीकरण में या जोर में नहीं चलता किसी के, मैं तो जो परफॉर्मेंस देता है उसे देता हूँ वोट। अच्छा, उसे वोट देते जी। अगर बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, लोकदल की, बसपा, कांग्रेस, तमाम पार्टी हैं, फिर किसके लिए? अब ये सोच जब ही डेवलप होगी, जब वोट करूँगा उससे पहले नहीं करना। मन में रखते हैं? हाँ, मन में रखता हूँ। अच्छा, लेकिन ये है कि जो बेहतर काम करेगा उसे वोट? जी, बेहतर काम करेगा वो। आपने क्या सोचा? सर, मेरी तो बीजेपी है सर। वजह? वजह क्या है सर? डेवलपमेंट है, लड़ाई झगड़े मतलब जो हिंदू मुस्लिम राइट्स होती थी वो कम है, और डेवलपमेंट भी देख ही रहे हैं आप, मतलब ये एक्सप्रेस हाईवे बन गया है, मेट्रो काम चल रहा है, तो इससे काफ़ी लोगों को थोड़ा रुझान है, बीजेपी तक भी रुझान ही है, क्योंकि सब डेवलपमेंट देखते हैं बेसिकली। आज मेरठ के लिए पहले इतने चार चार पाँच पाँच घंटे लगते थे मेरठ जाने, दिल्ली जाने के लिए, आज अपने एक्सप्रेस अपने अपने वाहन से आप 1.5 घंटे में दिल्ली पहुँच सकते हैं। अब दिन में जाना तो एक अभिशाप होता था, दिल्ली जाना पूरा दिन के लिए सोच जाते थे, आज की डेट में है ये दिख रहा है तो कहीं और नहीं जाएंगे? नहीं सर, कोई। लेकिन जिस तरीके से तमाम पार्टियां कह रही हैं कि इस बार बीजेपी नहीं आएगी, इस बार तो हम करके कहते, वो सब बोलते हैं, देखो सबका भाई राइट है सबका बोलने का, भाई आज मैं खुद बोल रहा हूँ मेरा राइट है बोल रहा हूँ, तो ऐसे सबका राइट होता है।
तो बीजेपी आप भी बता दीजिए कुछ, मुस्कुरा रही हैं बड़ा, क्या सोच रही हैं? बीजेपी सर, बीजेपी को ही देंगे हम। अच्छा जी, लगता है महिलाओं के लिए कुछ किया? हाँ बहुत कुछ किया है, क्योंकि जनता की कभी मांग थोड़ी ना पूरी होती है, वो कहेगा ये नहीं किया मोदी जी ने, वो नहीं किया, सब कुछ अच्छा ही किया है मोदी जी ने, कभी जनता की मांग पूरी थोड़ी नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। अच्छा, जनता की मांग पूरी नहीं। आपको क्या लगता है, जैसे मुख्यमंत्री की बात करें योगी की, क्या लगता है महिलाओं के लिए इतना कुछ किया, आपने जो चीज़ महसूस की? सब कुछ किया है, लॉकडाउन में ऐसे ऐसे जन भूखे मरे हुए थे, उन्होंने खाना भिजवाया, सबके अकाउंट में पैसे डलवाए, ये बहुत है गरीबों के लिए, ये खेतों में ये नहीं दिया, वो हो गया, ये हो गया, कि नहीं हमारे पास तो खेत है नहीं, हमारे पास तो उन्होंने खाने के लिए दिया है, ये दिया, यही सब कुछ है हमारे लिए। तो बीजेपी बीजेपी से ही देंगे हम, तो बीजेपी से लगने जाएंगे। बाबूजी बता दीजिए, बड़े इत्मीनान से बैठे हैं। बिल्कुल इत्मीनान से बैठा हूँ, और मैं सोच रहा था कि सभी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन एक तो जीतना होता है कि हम जो 1000-2000 वोटों से जीत जाए, लेकिन अगर बम्पर जीत चाहिए योगी जी को, मोदी जी को, तो उसके लिए जैसे और मुद्दों पे उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, पर थोड़ा सा अगर वो महंगाई की ओर देखेंगे तो जो गरीब तबका है, जो प्राइवेट जॉब करते हैं, उनकी सैलरी बढ़ी नहीं है, घटी है, और महंगाई बढ़ी है, तो उनको जो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी वोटें ना टूट जाए, तो इस ओर मैं चाहूँगा कि योगी जी और मोदी जी दोनों ध्यान देंगे तो एक बम्पर जीत की ओर जाएंगे। जयंत चौधरी ने अपना घोषणा पत्र किया, कह रहे 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो फिर उधर की तरफ सोचेंगे? ये तो इससे पहले भी देखा है हमने, जय चौधरी चरण सिंह जी के जमाने से देखते आ रहे हैं, ये लोग कहते हैं लेकिन करते नहीं है। अच्छा। जी हाँ, तो पूरा विश्वास दिला रहे हैं, भरोसा जता रहे हैं कि हमारी वजह से तो 3 कृषि कानून वापसी हुए। नहीं तो भरोसा तो इससे पहले भी इन्होंने दिया है, ऐसा नहीं कि इनको मौका नहीं मिला है, इससे पहले भी इनको मौका मिला है, लेकिन योगी और मोदी जी जब से आए हैं तो उन्होंने करके दिखाया ना, अगर सड़क पे निकलते तो सड़क दिखाई देती है हमें कि बनी है या नहीं बनी है, जो है ना, और हाईवे वगैरह जो बनाए, जो काम है मतलब वो दिखाई दे रहा है, जो इन्होंने इससे पहले काम किया वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, या ये खुद बताएं कि हम उंगली रख के बताएं उस काम पे ना कि हमने ये काम किया है, और इस बेस पे हम वादा कर रहे हैं, पहले भी वादा निभाया था, अब भी निभाएंगे। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि बिजली के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत काम किया। वो तो अखिलेश जी कहने को तो सभी कहते हैं, उसमें क्या दिक्कत है जय? देखिए महंगाई कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है, और महंगाई से सभी परेशान हैं, लोगों की रसोई का, महिलाओं की रसोई का बजट गड़बड़ाया हुआ है, तमाम उन्हें दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, कोरोना काल के बाद से तो स्थिति काफ़ी कुछ बदली है। लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ जी भैया, भाई साहब क्या सोच रहे हैं, चुनावी माहौल तो नज़दीक है? योगी आएगा जी। अच्छा, पक्का आएगा योगी। अच्छा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, योगी ही आएगा, इसके अलावा कोई नहीं। कोई पीछे की वजह तो होगी, आएंगे? कोई कमेंट नहीं। अच्छा, कोई कमेंट नहीं। हाँ जी भैया, महंगाई भी है, किसानों के मुद्दे भी हैं, बकाया गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा है, तमाम चीज़ें, आपने क्या सोचा इन सब चीज़ों को? इन चीज़ों से हम लोगों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, हैं, कोरोना काल का इन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया है, इसमें इन्हें कंसेशन देना चाहिए था, जो डेली पैसेंजर चल रहे हैं, जहाँ 20 रुपये का टिकट था, जो 45 रुपये का टिकट दे के जा रहा है, तो क्या फ़ायदा हम लोगों को, सही बताइए। महंगाई बढ़ी है ना इससे, हम लोगों को तो कोई फ़र्क पड़ेगा, हमें तो फिर भी डेली आना जाना है। आप बताइए भाई साहब, आपसे बात करूँगा। मजे लगा सर, शर्म की कोई बात नहीं, वोट तो दोगे ना, सोच क्या रहे हो, चुनावी माहौल क्या चल रहा है, माहौल बताओ क्या लग रहा है प्रदेश? माहौल तो मोदी की सरकार आएगी। अच्छा, मेरठ में योगी की, बस सुनो, लोग बाग इस मारे पे चढ़ रहे हैं, जब जो गरीब आदमी थे उन्हें सैलरी नहीं मिली, मालिक ने तनख्वाह दी। अच्छा, इस दिक्कत से आप भी जूझे? इस मारे दिक्कत है, पहले नोता सिलेंडर 300 कुछ का था, 150-200 रुपये आ जाते, वे भी खत्म। अब अच्छा अच्छा, माहौल देखा जाएगा, अभी माहौल देखेंगे, किसे वोट देनी है किसे नहीं देनी है। भैया युवा हो, आपकी भी अपनी वोट है, जो इस समय प्रदेश में माहौल चल रहा है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है? जब वोट तो योगी को ही जाएगी, बीजेपी योगी को देंगे। अच्छा, कोई पीछे की वजह तो होगी? काम देखो सारा अच्छा कराया है, लेकिन महंगाई तो देखो है, लेकिन उसमें सरकार की भी कोई गलती नहीं है, कोरोना काल था, वो क्या क्या कर सकते हैं, जितना कम अपने हिसाब से उनका भी एक बजट होता है, महंगाई कम, अब महंगाई कम होनी चाहिए, ये रियलिटी है। अच्छा, बाकी अगर और बात करें, विकास की बात करें, अपराध की बात करें, तो लगता है पहले और अब में कितना अंतर मानते हैं? वो जमीन आसमान का फर्क है उसमें तो, क्या बहुत फर्क है पहले, बताइए थोड़ा सा कि ये फर्क महसूस किया? नहीं, पहले क्या था कि पहले तो महिलाओं का भी मतलब रात में गाँव वगैरह में आते जाते थे तो बहुत फर्क था, अब ना बहुत हिसाब किताब अलग हो गया है, जब से योगी गवर्नमेंट आई है, बीजेपी आई है, इसलिए बीजेपी के साथ। हाँ, बीजेपी के साथ। देखिए तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में ये लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक महंगाई है, महंगाई मुद्दा बनी हुई है, महंगाई से सभी परेशान हैं, रसोई का भी बजट गड़बड़ाया हुआ है, और कोरोना काल के बाद तो स्थिति काफ़ी कुछ बदली है। कुछ और लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं, क्या चुनावी रंग नज़र आ रहा है?
सर देखिए, वैसे तो बीजेपी के चांस है, लेकिन थोड़ा सा महंगाई पे अगर ध्यान देना चाहिए। महंगाई काफ़ी जो है बहुत बढ़ चुकी है, गरीब तबका जो है वो बहुत परेशान है महंगाई की वजह से। आपसे जानना चाहूँगा क्या माहौल लग रहा है? वैसा मुझे तो पूरा बीजेपी का माहौल लग रहा है। अच्छा, क्या बात है, पूरे डिब्बे में बीजेपी के लोग बैठे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे डिब्बे में नहीं, पूरे प्रदेश में बीजेपी के लोग बैठे हैं। देश अच्छा, पूरे प्रदेश में? हाँ, देश में, प्रदेश में। कारण क्या है कि हमें छोटी बातों से उठ के ना थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि आजकल की डेट में हमारे जो पहले सरकारों ने देश के लिए कितना काम किया, विदेशों से कितना सहयोग मांगा, कितना मिला उन्हें, देश के लिए हथियार क्या है, सड़कें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो ये सब अगर हम आलू प्याज टमाटर और इन पे पेट्रोल पर लगे रहेंगे तो बड़े काम नहीं हो सकते। तो मेरे को लगता है सरकार बढ़िया काम कर रही है, और बड़े काम कर रही है तो नेचुरल सी बात है कि यही आगे आना चाहिए। अच्छा काम कर रहा है उसको आना चाहिए। भैया आपसे भी जानना चाहूँगा, थोड़ा सा बता दीजिए क्या सोच। बीजेपी आएगी? अच्छा। हाँ जी, बीजेपी को ही आएगी, क्योंकि उन्होंने काम किया है, काम दिखाई दे रहा है। आज तक 70-75 साल में कौन सी गवर्नमेंट ने इतना काम करके दिखाया, जॉब किया है, इतनी सड़कें बनी हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं, सुविधाएं मिली हैं। महंगाई बढ़ी है, अब एक बात बताइए गवर्नमेंट में पैसा कहाँ से आएगा? महंगाई थोड़ी बहुत तो बढ़ानी पड़ेगी ना, कि मतलब जब भी तो कहीं लगाया जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। भाई साहब क्या सोच रहे? नो डाउट सर, बीजेपी आनी है, सारे गीदड़ इकट्ठे हो जाएं, जब भी एक शेर को नहीं हरा सकते, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक शेर हैं और योगी जी भी शेर ही हैं, इसलिए कोई डाउट नहीं कि बीजेपी आनी है। बेरोजगारी की बात आ रही है निकलकर, महंगाई की बात आ रही है, गन्ना किसानों की समस्याएं आ रही हैं। बेरोजगारी तो पहले से भी थी और वही है, सरकार कोशिश कर रही है, थोड़ी सी और कोशिश करनी चाहिए। महंगाई बढ़ी है ये माना जा सकता है, उस पर सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और किसानों की बात रही तो जो किसान वहाँ बैठे हैं वो किसान नहीं है, किसान तो अपने खेत में है, वो तो अपनी राजनीति कर रहे हैं जो वहाँ पर बैठे हैं। राकेश टिकैत किसान नहीं है? राकेश टिकैत किसान नहीं है, राकेश टिकैत तो अपने टिकैत बाबा का नाम आगे बढ़ाते हुए राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है राकेश टिकैत। देखिए लोगों की अपनी अपनी राय है कि कोई चेहरा पार्टी में नहीं बता रहे हैं। महंगाई की बात तो कह रहे हैं कि महंगाई तो पहले भी थी, अब इस डिब्बे से निकलकर एक दूसरे डिब्बे में चलते हैं, वहां भी देखेंगे कि आखिर चुनाव का रंग क्या है। लेकिन पहले आप यहां देख लीजिए, मोदी नगर आ गया है, और मोदी नगर में किस तरीके से यहां आपको लोगों की जो भीड़ है वो नज़र आ रही है। चलते हैं एक और डिब्बे में, और वहां भी बात करेंगे लोगों से कि वो सोच क्या रहे हैं, उनके मन में क्या है। 2022 नज़दीक है, और 2022 को लेकर वो सोच क्या रहे हैं। चलते हैं एक बार फिर अपने सफ़र को जारी रखते हुए, और लोगों से करेंगे कुछ और बातचीत कि 2022 को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, तमाम पार्टियों को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। ताऊ जी कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं जी। अच्छा दिल्ली जा रहे हैं, कहाँ से हैं? मोदी नगर से ही है। अच्छा मोदी नगर से ही है। क्या लग रहा है, चुनाव का रंग क्या है? ठीक ही है जी चुनाव का। अच्छा आपने क्या सोचा? कुछ नहीं, जो सोचे सो महंगाई का मुद्दा है और कुछ नहीं है। अच्छा किसके साथ जाने की सोच है? देखो समय बताएगा क्या। अच्छा समय बताएगा, मन में रखे हुए हैं, युवा हैं, मन में यही है बस कि बेरोजगारी खत्म हो थोड़ी सी। अच्छा और थोड़ा सा इस पे काम हो, क्या नाम है ये आरक्षण पे। अच्छा। आरक्षण खत्म होना चाहिए, बिल्कुल आरक्षण खत्म होना चाहिए। हाँ जी। कुछ ऐसे तबके के लोग भी तो हैं कि भाई संसाधनों की कमी है, पैसे के अभाव में वो ना पड़ पाए, तो क्यों खत्म होना चाहिए आरक्षण? यूँ खत्म होना चाहिए कि जो जो बेरोजगार है, जो नीची कास्ट है, वो तो ले ही नहीं पाती कुछ भी, सारे ऊपर वाले खा जाते हैं। जैन चौधरी युवा हैं, वो 1 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं। नहीं बात तो सभी करते हैं, आप रियलिटी तो हमें भी पता है, 1 करोड़ कोई छोटा आंकड़ा तो है नहीं, पर लेकिन थोड़े तो दो कम से कम। अच्छा कम से कम। और अखिलेश यादव और जयंत की जोड़ी लग रहा कमाल करेगी? कमाल तो नहीं सर, अभी इलेक्शन में थोड़ा टाइम है, इतने कुछ नहीं पता कि कौन से इंसिडेंट हो जाए, इलेक्शन की हवा बदल जाए। अच्छा लगता है आपको हवा बदल सकती है? हाँ बदल सकती है, क्योंकि बीजेपी का ऐसे ही रहता है कि चुनाव से ठीक पहले पूरा जोर लगाते हैं अपना। अच्छा उसमें काफ़ी फर्क पड़ता है। अच्छा आपको लगता है? यस। हाँ भैया ये कह रहे हैं कि बीजेपी माहौल बदल देती है चुनाव से पहले, आपको क्या लगता? हाँ होता तो कुछ कुछ ऐसा ही है, होता तो कुछ कुछ ऐसा ही, वो एफर्ट डालते हैं, पूरा मेहनत पूरी करते हैं, ये तो है। जितना जितनी मजबूती से बीजेपी इलेक्शन लड़ती है, उतनी मेरे ख्याल से और कोई संघर्ष नहीं कर रहा। आपके मन में क्या है? अपने मन की तो सर वहीं पता चलेगी। अच्छा मन में रखेंगे। और भी युवा बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर चुनाव का जो रंग है, चुनाव का रंग क्या है। कहाँ जा रहे हो भैया? दिल्ली जा रहे हैं जी। कहाँ से हो? मोदी नगर से। अच्छा मोदी नगर से जी। क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल बीजेपी जीतेगी यहाँ पे। अच्छा बीजेपी जीतेगी? बिल्कुल। आप मोदी नगर से हो? बिल्कुल। यहाँ तो मंजू सिवाच है। हाँ जी।
काम करें कुछ? बढ़िया। क्या बताइए क्या क्या किया? सारा जो कुछ होना चाहिए एक विधायक कर सकता, सारे काम करें उन्होंने। अच्छा। टोटल इतना काम किसी शहर में नहीं हो रहा है। सीवर लाइन डल रही हैं, सड़कें बन रही हैं, कोई आवाज़ किसी गरीब की है वो उठाई जा रही है सब जगह, और क्या करेगा एक विधायक? जो विकास और जो देश के प्रति जिसने सोचा है और आम जन के प्रति सोचा है, और दूसरी बात यह है जो हिंदुओं का पतन हो रहा था वो सब बंद करा इन लोगों ने और उनको विकास की और आगे चलने की राह दिखाई है वो सब। और देश के लिए जो आप देख रहे होंगे, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, जो राज्य में आपराधिक गतिविधियां थी और जो एक दूसरे के गुंडागर्दी पाल रहे थे वो सब इसमें खत्म हो चुका है। कुछ और लोग हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। हाँ जी बताइए क्या सोच कर। मेरा नाम नरेश तेवतिया है। अभी दिल्ली पुलिस की भर्ती हुई जिसके अंदर बायोमेट्रिक ही नहीं था। अच्छा। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे, हमारा समाज को क्या संदेश दिया गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ। माहौल क्या है बस ये बता दीजिए कि चुनावी रंग क्या है। जी चुनावी रंग इन्हीं बातों से तो बनेगा। एक नव युवक को बनाया, वो चार आदमियों में घिर कर रह गया। आपके सामने चल रहा है ठोका पिट्टी का काम। सरकार गरमाई की, दुकानदारी नरमाई की, और दलाल गर्दी बेसरमाई की। इन तीन चीजों का इस्तेमाल जहाँ नहीं होगा वो अपना सपना छोड़ दे, वही अच्छा। राय लोगों की आपने देखी, तमाम उनकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन अभी चुनाव में थोड़ा वक्त जरूर है। वक्त कब बदल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। इंडिया न्यूज़ का जो ये सफ़र है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। आज हमने सोचा था मेरठ से मोदी नगर तक जाएंगे, लेकिन हमें मुरादनगर तक आना पड़ा। लोग अपने मन की बात कहने के लिए उत्सुक नज़र आ रहे थे और सीधे कह रहे हैं। हाँ कुछ लोग ऐसे हमें ज़रूर मिले हैं जिनका ये कहना था वक्त बताएगा। चुनावों का क्या रंग है ये आपने सुना। हमारा ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा। जय हो के लिए फिलहाल इतना ही। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज़।